अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त आपका अजीज हकीम नदीम रजा नाजरीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब खूब कामयाबी और कामरानी उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा नुस्खा आप लोगों तक जिक्र करने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से वो व्यक्ति जिसको फिजिकल होने के लिए बिल्कुल इच्छा होती ही नहीं, इंशाल्लाह केवल 21 दिन के इस्तेमाल से बराबर इच्छा होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो भी मर्द बन चुके हैं जिन्होंने कई कई साल से हम बिस्तरी बिल्कुल किया ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको नुस्खा तैयार करना है, बनाना है, वही सारी बातें कर ली जाए। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक कर दें और एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करके हमें बता दें कि हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सा आइटम आपको लेने हैं। सबसे पहले आपको लेनी है 10 ग्राम लौह भस्म। दूसरी चीज आपको लेनी है जाफरान यानी केसर 10 ग्राम। तीसरी चीज आपको लेनी है मगज कद्दू आपको लेना है 50 ग्राम। चौथी चीज आपको लेनी है असगंध नागोरी 50 ग्राम। इन सारे आइटम को आप कूट पीस कर पाउडर तैयार कर लें, आपस में शामिल कर लें, फिर इसमें से 3 ग्राम सुबह नाश्ता करने से 1 घंटा पहले गाय के दूध के साथ, शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले गाय के दूध के साथ 3 ग्राम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से 21 दिन के अंदर अंदर ना मर्द भी मर्द बन जाएगा। और अगर आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल 2 महीने कर लिया तो आपकी मर्दानगी में शक की बिल्कुल भी गुंजाइश है ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और जरूरतमंद हजरात तक आप खूब शेयर करें ताकि सबों का भला हो जाए। मेरे और आपके लिए बस यही काफी है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं उम्दा नुस्खे के साथ, बेहतरीन तजवीज के साथ। मेरे साथ आप बराबर बने रहें, बराबर सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की मुझे बे इंतहा जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।